देखो भाई, हमारे मालिया में नमक पकता है। नमक मिठू बोलते हैं नहीं, ये सब समुंदर है। देखो ये अभी समुंदर का ब्रिज आएगा, आगे मैं तुमको दिखाऊंगा। देखो ये नमक बन रहा है, ये पानी नहीं, ये सामने नमक बन रहा है। इधर से ब्रिज हो गया चालू भाई, देखो इधर से समुंदर का ब्रिज है। शाम के सामने जो नमक का ढेर पड़ा हुआ है, अभी इधर से दो लाइन होगी, दो ब्रिज अलग अलग है आने जाने का। देखो अभी समुंदर आएगा, मैं दिखाऊंगा तुमको। हम राजकोट से घर जा रहे हैं गांधीधाम कच्छ में। देखो मित्रों, ये सब सारा नमक बनता है इधर। लाइन अलग चल रही है, ये लाइन अलग चल रही है, दोनों का ब्रिज अलग अलग है। ये पूरा नमक का ढेर देखो, नमक मैं दिखाऊं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखो गाड़ी का खड्डा अगर रहा है ना, देखो ये पूरा नमक पड़ा है। ये मालिया के अंदर है ना ये नमक, ये अभी समुद्र हो गया पूरा। अब हम समुंदर के ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। देखो ये नमक पूरा ही नमक, देखो वो ब्रिज चालू हुआ उधर से, ये ब्रिज इधर से चालू हुआ। देखो अब ये समुंदर में ब्रिज बना हुआ है दोनों आने जाने का। वो कितना लंबा है, शायद 1.5 किलोमीटर जितना होगा लंबा। अभी पानी वापस चला गया है समुंदर का, जा रही है वापस। देखो तुमको मस्त नजारा दिखाता हूँ, अभी किसी नहीं देखा हो तो देख लेना कच्छ में कैसे नमक होता है। नहीं देखा तो देखो, ये पूरा समुंदर आ गया। देखो ये समुंदर है इधर से, ये समुंदर में ब्रिज बना हुआ है दो लंबा सा, 1.5-2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। देखो लाइन चल रही है, ये लाइन इधर चल रही है, बीच में समुद्र का पानी भरा है दोनों साइड, दो ब्रिज अलग अलग बनाए हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक्स दांपले खड़े, देखो कितनी लाइनों निकलती है इधर से। मेन आने जाने का कच्छ के लिए यही रास्ता है, एक रास्ता है वो दिल्ली वाला आगे सामी खाली के उधर। ये ब्रिज बंद होता है ना, तभी अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे सब वो बंद हो जाता है। देखो ये ब्रिज पे ट्रैफिक रात को समय बहुत होती है दोनों ब्रिज में, क्या उधर एक पुल टूटा हुआ पड़ा है एक साइड का, तो दोनों लाइन एक में चलती है। थैंक यू साहब, सब्सक्राइब लाइक कर देना, मजा आए तो।